छपरा के बनियापुर प्रखंड सह अंचल कार्यालय में आयोजित सामाजिक अधिकारिता शिविर में भारत सरकार के एडीपी योजना के तहत प्रखंड क्षेत्र से आए सैकड़ों दिव्यांग जन के बीच उनके जरूरत अनुसार सहायक उपकरण का वितरण महाराजगंज से सांसद जनार्दन सिंह सिग्रवाल द्वारा किया गया। इस शिविर में भाजपा के तमाम नेताओं व कार्यकर्ताओं ने संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री के कार्यकाल 9 साल बेमिसाल के तहत उनके ऐतिहासिक फैसले और विकास के कार्यों के बारे में भी लोगों को जानकारी दी। इस दौरान सैकड़ों दिव्यांग जनों ने सहायक उपकरण प्राप्त करते हुए खुश नजर आए। दिव्यांग जनों ने कहा कि यह उपकरण उनके जीवन का बहुमूल्य तोहफा है। वहीं सांसद ने कहा कि जो दिव्यांग आज दूसरे के सहारे शिविर पहुंचे हैं, वो अब अपने सहारे घर चलकर जाएंगे और आत्मनिर्भर होंगे। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आप खुद ही सुनिए। देखिए, दिव्यांग भाइयों और बहनों के उपकरण मिले, उनको अंग इत्यादि मुहैया कराया जाए, इसके लिए यह आज वितरण के लिए शिविर है बनियापुर में। यह लगातार महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र में चल रहा है। पहले सर्वे होना, फिर उनके लिए सामान आना और सामान उनको मुहैया कराना और इसी ही क्रम में आज बनियापुर के 219 दिव्यांग भाइयों और बहनों के बीच में ट्राई साइकिल, व्हील चेयर, छड़ी, बैसाखी, हेयर एड और ऐसे कई एक उपकरण उनको आज यहाँ से मुहैया होने वाला है। यह हम समझे कि मानवता है और मानव में मानवता रहे तो सारे चीज़ उसके साथ माने समाहित हो जाती है। इनके जीवन में गति मिले, इसके लिए यह प्रयास है। यह दूसरे पर बोझ न बन करके दूसरे का सहयोगी बने, इसके लिए यह प्रयास है और उसी के क्रम में यह उनको यह वितरण किया जा रहा। आप देखेंगे कि उधर से किसी के सहारे वो आए थे, किसी के साइकिल मोटरसाइकिल पर चढ़ करके आए थे और यहाँ से वह ट्राई साइकिल मिल रहा है तो ट्राई साइकिल चलाते हुए घंटी बजाते हुए जा रहे हैं अपने गंतव्य स्थान को। यह उनके सम्मान के साथ भी जुड़ा हुआ है और वह जो दिमागी स्तर से ठीक हैं, हाथ से भी ठीक हैं, पैर से वह दिव्यांग हो गए हैं, कहीं चल फिर नहीं पाते हैं और यह ऐसे सामानों को उपलब्ध कराने के बाद वह घर के लिए भी एक सहयोगी बन जा रहे हैं। घर के भी कुछ छोटे मोटे सामान बाज़ारों से लाना, उनको सहयोग करना और जैसे वो सहयोग करेंगे तो उनका सम्मान घर में भी और समाज में भी बढ़ेगा। हमें पूरे समाज और घर में भी उनका सम्मान बढ़े और इनके माध्यम से देश और मजबूती को प्रदान करें, इनका सहयोग उसके लिए भी हो, यह प्रयास यह लगातार किया जा रहा है और उसी प्रयास का प्रतिफल है। क्या प्लान है, मतलब हर प्रखंड में? पूरे मेरे लोकसभा क्षेत्र के हर प्रखंड में पहले शिविर हुआ है उनके जांच के लिए और शिविर के बाद उनके लाखों लाख रुपए के सामान आए। आप देखे होंगे माने पूरे अगर लोकसभा में जुड़िए तो कई एक करोड़ के सामान वितरण माने होने वाले हैं। कोई प्रखंड नहीं है जिसको कई एक लाखों का सामान ना आया हो, जो उनको अब हेयर एड है, एक एक हेयर एड जो है इनके क्वालिटी का है, 55,000, 60,000 ऐसे ऐसे है। यह ट्राई साइकिल भी आप देख रहे हैं तो इनकी क्वालिटी अलग है, 7,000-8,000 से कम का नहीं है ट्राई साइकिल भी है। छड़ी भी देखेंगे तो 5,000-6,000 की छड़ी है, अच्छी क्वालिटी की छड़ी है। खास करके जो अगर ऐसे जो अंधे और जो बहरे होते हैं उनके लिए एक अलग छड़ी है, उनके तो और 8-10 हज़ार रुपये उनके दाम है, उस जो साउंड एथी के माध्यम से वो उनको रास्ते बताते हैं, यह उनको यह दिया जा रहा है। मैं एक ही कहूँगा कि आप अपने जीवन में जिस तरीका से गति देने का काम नरेंद्र मोदी जी और आपके सांसद जनार्दन सिग्रीवाल मिलकर के कर रहे हैं, आप अपने उस सम्मान और गति को बरकरार रखिए, आपका जीवन खुशहाल रहे, यह तो हमारी शुभकामना है ये है, लेकिन आप भी उससे प्रेरणा से प्रेरित होकर के अपने गति को बनाए रखिए। आप पे अब दूसरे पर सहारा न हो इसका हमेशा प्रयास करते रहिए, आप उसका उपयोग करिए और यह प्रयास करिए। एक माने आप भी मिशन में आइए, आप भी एक संकल्प के साथ अपने को आगे बढ़ाने के लिए संकल्पित होइए। जब आगे फिर बढ़ेंगे तो आपके लिए बैंकों से लोन की व्यवस्था कराई जाएगी, जब आप माइंड और ऐसी सही है कि आप एक व्यवसाय से जुड़ जाइए। यह एक अंतिम नहीं है, इसका शुभारंभ का घड़ी है यह, फिर हम उसको आपको रोजगार से जोड़ने का काम करेंगे कि आपको कैसे रोजगार प्राप्त हो सके, आप एक घर और परिवार को कैसे चलाने लायक बन जाएं, यह उसमें पूरा का आपको स्किल्ड करना होगा तो स्किल्ड बनाने के लिए भी आपको ट्रेनिंग दिलवाने की व्यवस्था की जाएगी कि आप ट्रेंड हो जाइए और ट्रेंड होकर के उसका लाभ लीजिए। यह पूरा एक लगातार निरंतर प्रयास है जो अपने जीवन को भी सुधारें और समाज और देश के लिए भी कुछ करने का काम करें।